हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुजीत कुमार स्तंभ क्लासेज गो। आज मैं फिर से फंक्शन का नेक्स्ट वीडियो लेकर के आ गया हूँ। और इस फंक्शन में आज मैं बताने वाला हूँ कंपोजिट फंक्शन। आप कंपोजिट फंक्शन का नाम सुने होंगे, आपके किताब में कंपोजिशन फंक्शन लिखा होगा, ठीक है। कंपोजिट फंक्शन कहने का मतलब दो फंक्शन को मिलाई जाती है, ठीक है। अपना आप सुने होंगे फॉग, गॉफ, गॉग, हॉफ, ये सब इवेल्युएट करने के लिए आता है सर। तो ऐसे आप नाम सुनेंगे, ठीक है। तो मैं आज इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ, विभिन्न तरह के क्वेश्चन में लेकर के आया हूँ, सारे के सारे कॉन्सेप्ट में क्लियर करूंगा इस वीडियो में। और इस वीडियो को देखने के बाद कोई वैसा क्वेश्चन नहीं रह जाएगा जो आपसे नहीं बनेगा। इस कंपोजिट फंक्शन से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा, ठीक है। मैं क्वेश्चन भी कुछ कलेक्ट करके लाया हूँ और आर एस अग्रवाल का किताब भी मैंने लाया है, और इसे मैं एक दो क्वेश्चन भी आपको दूंगा और दिखाऊंगा कि क्या होता है या नहीं होता है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला बात है, एक फंक्शन है, सेट ए है, सेट बी है, सेट सी है, ठीक है। सेट ए, सेट बी, सेट सी। सेट ए डिफाइंड है सेट बी से, ठीक है, जिस फंक्शन का नाम रखते हैं एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स इस फंक्शन का नाम रखते हैं, तो अगर ए बी से डिफाइंड है तो इसका मतलब, कहने का मतलब है कि सेट ए जो है यह होगा डोमेन होगा, ठीक है। इस फंक्शन के लिए एफ ऑफ एक्स के लिए डोमेन ए होगा और कोडोमेन बी होगा, ठीक है। अब बात जहां तक रहा बी और सी का रहा, ठीक है। तो बी और सी में आप देखिएगा कि बी और सी को यदि हम डिफाइन करते हैं, इस फंक्शन का नाम रखते हैं जी ऑफ एक्स, इस फंक्शन का क्या नाम रखते हैं जी ऑफ एक्स रखते हैं, ठीक है। जिसका जी ऑफ एक्स के यदि डोमेन देखा जाए तो बी सेट होगा, और अगर कोडोमेन की बात किया जाए तो यह सी होगा, ठीक है। चलिए, यहाँ तो हो गया, यहाँ तक तो आप समझ गए, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, ठीक है। होता ऐसा है कि हम लोग तो दो दोस्त हैं, इसका मतलब अपने दोनों दोस्त हैं। अब कोई वैसा एक त्योहार आया जिसका समय पर दोस्त ने बुलाया, ठीक है, हम लोग दो दोस्त हैं, दोस्त थे तो क्या घर पे तो नहीं जाते थे, दूर दूर दोनों का घर था। तो क्या हुआ कि यह बुलाया कि आओ ना हमारे यहाँ आओ, ठीक है। तो ठीक है, तो चला गया दोस्त बी के पास चला गया। अब इसका भी तो दोस्त होगा ना, तो अब क्या किया कि इसका भी दोस्त जो और दोस्त था उसको भी मिल बुला लिया, ठीक है। इसको और भी तो दोस्त होगा, अब उसको भी अपने घर बुला लिया। तो अब क्या हुआ कि कहा कि देखियो ना, ये मेरा दोस्त है और फिर ये मेरा दोस्त है, दोनों को मिला दिया। तब क्या हो गया, अब डायरेक्ट ए से सी से भी संबंध बना लिया, क्या हो गया, अब चिन्हा पर्ची क्या हो गया, ए से सी का भी चिन्हा पर्ची हो गया, ठीक है, दोनों को जान गए, ठीक है। तो क्या हो गया अब यहाँ पे जी ऑफ एफ ऑफ एक्स हो गया, ठीक है। अब एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स दोनों फंक्शन क्या हुआ, आपस में मिल गया, ठीक है। जो ए बी का दोस्त था और बी का और सी एक और दोस्त था, अब जब त्यौहार आया तो अपने यहाँ बुलाया, अब क्या हुआ कि दोनों को मिला लिया, दोनों के मिला लिया, तो हो गया कि अब जी ऑफ एफ ऑफ एक्स मतलब दोनों से अब जिन्हा पर्ची हो गया, ठीक है। तो यहाँ तक तो हो गया, समझ में आ गया होगा, ठीक। आप जहाँ तक बात रही आगे की प्रोसेस, ठीक है, तो आगे का भी आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानियां ना होगी, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आने देंगे। तो यहाँ तक तो समझ गए। अब इसमें होता ऐसा है कि मान लिया जाए कि अगर ए और बी ही फंक्शन है, और ए और बी फंक्शन में होता ऐसा है कि अगर स्वयं में और अपने में क्या हो गया, संबंध और तरीके से बना लिया, ठीक है, और तरीके से बना लिया, थोड़ा सा कुछ गुण ऐसा था, कुछ गुण ए दोनों में अलग अलग था, एक दूसरे में और मिला लिया, एकदम बिल्कुल एक दूसरे से इक्वल कर लिया, एकदम बिल्कुल क्लोज फ्रेंड बना दिया, है ना, क्लोज फ्रेंड बना दिया, बिल्कुल एकदम निकट कर दिया, जो एक दूसरे में छवि देख सकते हैं, ऐसा कर लिया। तो मतलब कि अगर एफ ऑफ एक्स में, अगर एफ ऑफ एक्स से ही अगर बना दे रिलेशन, तो क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एफ ऑफ एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एफ ऑफ एक्स हो जाएगा, फॉक्स हो जाएगा। अगर जी ऑफ एक्स में अगर स्वयं में ही और गुण एक दूसरे से मिला ले तो क्या हो जाएगा, जी ऑफ एफ, जी ऑफ एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो गॉफ हो जाएगा, फॉक्स हो जाएगा, ये गॉफ हो गया, ठीक है। तो इसका इससे कर लिया कनेक्ट, तो अगर यह कर लेता है इससे कनेक्ट,
अगर मान लिया जाए यह तो इसे कनेक्ट किया तो क्या हो गया जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, अगर जी अगर इसमें कनेक्ट कर लेता है ठीक है, ये डायरेक्टली रूप से अगर यहाँ से ऐसा कनेक्ट कर लेता है ठीक है, संबंध बना लेता है तो अब हो जाता है क्या एफ ऑफ जी ऑफ एक्स हो जाएगा, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स हो जाएगा ठीक है। तब देखिए यहाँ तक तो आप समझ गए, कहने का मतलब इसमें है कि इसका जो इससे है संबंध ठीक है, अब इसका जो भी रेंज होगा मान लिया जाए कि हमने एक दो तीन यहाँ पर चार पाँच छ सात आठ नौ ऐसा इस टाइप का हमने ले लिया, एक का चार से था, दो का पाँच से था, तीन का छः से था ठीक है, और इसमें था चार का सात का पाँच से आठ का छः के नौ से था ठीक है। लेकिन अब क्या रिलेशन बन गया कि अब डायरेक्टली रूप से ए से सी में चला गया ठीक है, डायरेक्टली रूप से क्या हो गया ए से सी में चला गया, तो अब तो संबंध बन गया एक से सात का, ये नीचे दिखाई दे रहा है नीचे वाली दिखे, अब डायरेक्टली क्या हो गया एक से सात का, दो से आठ का, तीन से नौ का हो गया ठीक है। तो इस टाइप का डायरेक्टली रिलेशन बन गया ठीक है, ए से सी में डायरेक्टली हो गया ना एक से सात, दो से आठ, तीन से नौ। तो इसी तरह से फॉक्स वॉक्स यही सब ज्ञात होते हैं, इसमें कोई दिक्कत परेशानियां कठिनाइयां नहीं है, डायरेक्टली उसे प्रसिद्ध प्रत्यक्ष कर देना है। कहने का मतलब है कि जो जो टच करता है उसको क्या कहते हैं रेंज कहते हैं, डोमेन का प्रत्येक एलिमेंट एफ ऑफ एक्स के लिए मैं बता रहा हूँ, इसका अगर प्रत्येक एलिमेंट अगर सेट बी में अगर तीर लगा हुआ है तो क्या होता है सेट बी का प्रत्येक एलिमेंट क्या हो जाएगा, जिसको तीर लगाया हुआ रेंज होता है ठीक है, रेंज ठीक है, क्या होता है रेंज होता है। मतलब यहाँ कहने का मतलब है कि एफ ऑफ एक्स का, एफ ऑफ एक्स का जो रेंज है वह सबसेट हो सकता है जी ऑफ एक्स का कोडोमेन की डोमेन से, क्योंकि जी ऑफ एक्स का तो डोमेन यह हुआ, तो क्या हो जाएगा इसका संबंध हो सकता है इस टाइप का हो जाएगा ठीक है। और इसी तरह से बनते हैं तैयार होते हैं सारे का सारा खेल इसी टाइप पर है, इसी पर है फॉग गॉग गॉग बॉग जियर है सब सब चीज इसी पर है ठीक है, इसी टाइप से आपको बन जाएंगे, कोई दिक्कत परेशानियां नहीं होगी आपको ठीक। एफ ऑफ एक्स का रेंज जो जो से एक बार सर रेंज हो जाता है ठीक है। देखिए सब्जी आ रहा है तो आवाज आ रहा होगा इसकी वजह से थोड़ा सा वीडियो को हम रोक रहे हैं ठीक है, सब्जी लेकिन आ रहा है गाड़ी से। ठीक है तो अब समझ में आ गया होगा यहाँ तक, अब गाड़ी पार हो गई है। देखिए एफ ऑफ एक्स का जो रेंज था वह सबसेट या इक्वल होना चाहिए था जी ऑफ एक्स का डोमेन का होना चाहिए था ठीक है, क्योंकि एफ ऑफ एक्स में क्या होता है ए जो है वह डोमेन होता है और बी में क्या होता है यह जो है को डोमेन होता है ठीक है, तो जो तीर लगता है वही ना होता है रेंज, तो ठीक है ये सब रेंज हो जाता है। हो सकता है कुछ कुछ और एलिमेंट हो जाएगा ठीक है, कुछ और एलिमेंट इसमें हो सकता है तो और एलिमेंट हो सकता है लेकिन तीर लगा हो इसी का, तो इसलिए क्या होता है सबसेट और इक्वल दोनों का चिन्ह दे दिए, अगर दोनों का इक्वल हो जाएगा इसका अगर डोमेन और इसका रेंज अगर इक्वल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा बिल्कुल इक्वल वाला हो जाएगा, और यदि पूरा इसका रेंज जो है इसमें सम्मिलित हो जाएगा तो क्या होगा सबसेट का चिन्ह हो जाएगा ठीक है, क्या हो जाएगा सबसेट का चिन्ह, तो इसलिए हमने ये बात बोला। वैसे अब हम इसको मिटाते हैं, अब आपको डिपेंड करता है किस टाइप से रिलेशन आपको दी गई है, ऐसा नहीं कि आप कर दीजिएगा कि इसका जो है से डोमेन जो दिया गया है और इसका को डोमेन है और उसको ऐसे ही ले लेते हैं और ये मेरा बन करके तैयार हो जाता है ठीक है, यह जो तैयार आपको हुआ है दो आपका तैयार हुआ था ठीक है, इसका तैयार हुआ था ऐसा नहीं, क्योंकि यदि हम आपको एग्जाम्पल देते हैं वैसे ज्यादा मार कर जाते हैं कि इसका डोमेन ले लेते हैं और इसका कोड में ले लेते हैं और ऐसे में गलत होने का भी चांस है ठीक है, तो हम आपको क्वेश्चन दिखा रहे हैं वैसा, उसके बाद मैं वेरिएबल फंक्शन लाऊंगा तो देखिए कुछ क्वेश्चन मैं लिख देता हूं इसके लिए वीडियो कर देता हूं नहीं तो बड़ा हो जाएगा वीडियो ठीक है। ठीक है मैंने क्वेश्चन को लिख दिया है, यदि मैं वीडियो को चालू भी रखता और क्वेश्चन को लिखता तो शायद 8-9 मिनट ज्यादा हो जाता ठीक है, बहुत देर लगा लिखने में ठीक है, क्योंकि देखना पड़ता है ना पेज रखकर। देखिए ये आर एस अग्रवाल का क्वेश्चन है आपका ठीक है, ये आर एस अग्रवाल का क्वेश्चन है, नहीं विश्वास है आपको दिखा दूंगा, ये आर एस अग्रवाल का क्वेश्चन है आप देख सकते हैं, आपको जो दूसरा ऊपर दिखाई दे रहा है ये क्वेश्चन है आपका ठीक है, देखिए है ना एक दो तीन पाँच ये सोल्व एग्जाम्पल एक है और एक आपको दिया गया है ठीक है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन, देखिए 23 नंबर क्वेश्चन आपका ठीक है, 23 नंबर का क्वेश्चन है ठीक है, ठीक
देखिए क्या है, दोनों में मैंने तुलना किया है। मैंने जो क्वेश्चन जो पूछा गया था उसको तो बना लिए डोमेन और को डोमेन को देख करके ध्यान में, ठीक है। लेकिन सॉल्व एग्जांपल में था कुछ ऐसा प्रश्न पूछा गया था जो ऐसा बन ही नहीं रहा था। तुमने देखा बहुत 2-3 घंटा तक हमने रिसर्च किया है इस पर, और उसके बाद मैं आपके लिए वीडियो लाया हूँ, ठीक हो। देखिए यहाँ पे इसके लिए कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी ऐसे क्वेश्चन के लिए, क्योंकि ये डायरेक्टली आपको रिलेशन दिया गया है। यहाँ पर देख रहे हैं कि 1-3-4 है, ठीक है। यहाँ जो 2-5-1 दिया गया है, ठीक, तो इसमें जो 2-5 दिया गया है मतलब कि एफ ऑफ एक्स का ये क्या हुआ, एफ ऑफ एक्स का यह क्या हुआ, यह हुआ कोडोमेन और यह हुआ डोमेन। उसी प्रकार से कोडोमेन डोमेन, कोडोमेन डोमेन, और जी ऑफ एक्स फंक्शन के लिए यह डोमेन कोडोमेन, डोमेन कोडोमेन, डोमेन और कोडोमेन, ठीक है। अब इसका जो कोडोमेन होता है एफ ऑफ एक्स के लिए, इसका तो बन जाता है डोमेन, इसका क्या बन जाता है डोमेन। तो यदि आप देखते हैं कि अगर मान लिया कि 2 है 5 है यहाँ 1, तो यहाँ देखिए 2 5 1, अगर यह दोनों मिलता है बीच वाला, जब मैंने क्या कहा था एफ ऑफ एक्स का रेंज सबसेट और इक्वल होना चाहिए जी ऑफ एक्स का, अगर यह मिलता है यह बीच वाले फंक्शन जो बी वाला अगर दोनों में मिलता है, तब कोई दिक्कत परेशानियां ना होगी। आप आराम से इसका डोमेन और इसका कोविड डोमेन आप ले सकते हैं, इसका डायरेक्टली आप आंसर ले सकते हैं कि इसका डोमेन 1, ठीक है, और इसमें से आप उठा लीजिएगा कोडोमेन वाला, ठीक है। यह हो जाएगा आपको क्या पूछा है, गॉप पूछा है ना, तो गॉप के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, गॉप के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। गॉप लेता है तो एफ ऑफ एक्स क्या हो जाता है, इधर हो जाता था और जी ऑफ एक्स इधर रिलेशन बनता था ना, हाँ, जैसे आप देखते थे ये था बी था सी था, ठीक है, इससे रिलेटेड एफ ऑफ एक्स था, जी ऑफ एक्स था, ठीक है। तब यहाँ क्या होता था गॉप, यहाँ अगर डायरेक्टली बन जाता तो क्या कहते थे इसको, गॉप कहते, यही तो पूछा है, तो यही पूछा है, तो इसमें क्या होगा, पहले का जो सेट का होगा यह डोमेन होगा 1-3-4, डोमेन इसमें भरा रहेगा 1-3-4, ठीक है, और इसमें क्या हो जाएगा 2-5-1, को डोमेन है 2-5-1 होगा, ठीक है। इसके लिए जी ऑफ एक्स के लिए क्या हो जाएगा, डोमेन जो होगा 2-5-1 होगा, तो जी ऑफ एक्स के लिए तो डोमेन यह है 2-5-1, तो ठीक है 2-5-1 है, यह मिल गया है, और यह मिल गया है इसकी वजह से ही आप डायरेक्टली बना सकते हैं, डायरेक्टली रिलेशन आप ले सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, आप चाहे जो रहे 3-1-3, ठीक है 3-1-3 है, तो आप इसको डायरेक्टली, आपको हमने क्या कहा कि डायरेक्टली इससे अगर रिलेशन बनाएगा तो इसका आंसर क्या होगा, 1 का 3 से होगा, 3 का 1 से होगा, 3 का 1 से होगा, देखिए काला पेन कर देते हैं, 1 का 3 से होगा, 3 का प्रत्यक्ष किसे बनाया है, 1 से बनाया है, देखिए ना यहाँ इसका लाइन, अगर गॉप फाइंड करना है तो एफ ऑफ एक्स के लिए तो 1-2-3-5 है ही, तो इसे बना रहा है, अगर इसे क्या डायरेक्ट यहाँ बना रहा है, ये इसे बनाया है, इसे बनाया, लेकिन क्या होगा डायरेक्टली गॉप निकालने के लिए डायरेक्टली यहाँ जाना पड़ेगा, तो 1 का 3 से 3 का 1 से समझ में आ रहा होगा, 4 का 3 से होगा, ठीक है, रिलेशन क्या हुआ 4 से 3 का बन गया, तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, क्या होगा, यही आपका आंसर होगा जो आपको बी ऑप्शन दिया गया आर एस अग्रवाल में। यह क्या है, यह सॉल्व एग्जांपल नहीं है, यह आपको एक्सरसाइज है, उसमें आपको दिया गया 23 नंबर क्वेश्चन शायद होगा, हाँ ऐसा ही पूछा, तो देख सकते हैं उसमें आर एस अग्रवाल, देख लीजिएगा, मैं झूठ नहीं बोल रहा, तो यही सही उत्तर है, ठीक है। आप इसको डायग्राम नहीं बनाइएगा और खाली आप जांच कर लीजिए कि इसका कोडोमेन 2-5-1 और इसका डोमेन इक्वल है कि नहीं, 2-5-1 इक्वल है, इक्वल है तो आप डायरेक्टली इसका डोमेन ले लीजिए 1 और इसका कोडोमेन 3, इसका ले लीजिए डोमेन 3, इसका ले लीजिए 1, इसका ले लीजिए डोमेन 4, इसका कोडोमेन 3, आराम से बन जाएगा, ठीक है, आंसर आ जाएगा, ठीक है। और यदि आपको ये भी जांच करने नहीं आता है कि यह इक्वल है कि नहीं है, या परेशानी हो, इतना ही हमको आता है जांच करने के लिए, भी नहीं आता, ठीक है, आपके 2 मेथड तो हमने बताया कि आप चाहे तो डायग्राम इससे बना सकते हैं, या फिर आप स्वयं ही इसको नहीं बनाना चाहते हैं तो जांच कर लीजिए कि इसका क्या होता है कोडोमेन जो है इक्वल है कि नहीं, क्योंकि ये जब तक ये इक्वल नहीं होगा, जब तक ये इससे रिलेशन नहीं बनेगा, ये नहीं कहा कर दिया कि 1 इधर कर दीजिएगा, 2 इधर कर दीजिएगा, 5 इन्हें कर दीजिएगा, तब तो ना, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप डायरेक्ट 1 से 3 का रिलेशन बना सकते हैं, बिल्कुल रॉन्ग होगा,
और यही स्टेटमेंट के लिए मैं यहाँ पे लाया हूँ इस क्वेश्चन को, यही मैंने रिसर्च किया था 3 घंटा से कि ऐसा ही हो रहा है, परेशानी में हो गया था, ठीक है। फिर हमने बाद में देखा कि ऐसा स्थिति बन रहा है, तो देखिए इस टाइप का होगा, ठीक है। तो इसे तो आप आंसर ला दिए, और यदि इस डायग्राम से भी आपको नहीं बनाने आता है तो आप देखिए क्या करना होगा। उसके लिए सिंपल सी आप बताना है आपको, जैसे आपको यदि ऐसा फंक्शन रहता था f ऑफ x बराबर मान लिया कि 2x + 1, ठीक है। अगर x के जगह पर आपको 1 रखना रहता था तो क्या करते थे, x के जगह पर 1 रखते थे, तो हाँ रखते थे, दो का दो एक थी, ठीक है। उसी प्रकार से क्या हो जाएगा, अगर मान लिया जाए कि x के जगह पर g ऑफ x रखना रहे तो क्या कीजिएगा, तो कहेगा कि f ऑफ g ऑफ x, और हम ऐसे रख देंगे 2 × g(x) और +1 रख देंगे तो ठीक है। यहाँ तक आप समझ ही रहे, तो अब आइए अपना रोल में आप देखिए, ठीक है। हमको क्या निकालना है, गॉफ निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है, गॉफ निकालना है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, क्या निकालना है, गॉफ निकालना है, ठीक है। तो गॉफ निकालना है तो सबसे पहले इसका आप डोमेन देख लीजिए, क्या क्या होगा, 1 होगा 3 होगा और 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 होगा 3 होगा 4 होगा। तो आप इसको लिख सकते हैं, जी ऑफ एफ को लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्योंकि जी ओ एफ लिख दिए या फिर जी बड़ी कोस्ट एफ ऑफ एक्स लिख दिए, कोई परेशानियां नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या कीजिएगा कि एक लेना होगा, क्योंकि एफ ऑफ एक्स को सब्स्टिट्यूट करना है जी ऑफ एक्स में, तो आप यहाँ पे एक लीजिए, ठीक है। 1 हमने लिया, ठीक। अब यहाँ पे देखिए कि 1 का रिलेशन एफ ऑफ एक्स में किससे है, इसमें देखिए, तो ऐसा मत कीजिएगा कि 1 का 4 ऐसे नहीं, डोमेन से देखना है किससे रिलेशन है, क्योंकि ऐसा बना रहता है तो डोमेन से को डोमेन में बनता है, इससे ना बनता है, किससे इसे बनता है, नहीं नहीं इससे इसे बनता है, तो ऐसा ना कर दिया कि इसमें इससे कर दिया जाए, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 1 से किससे रिलेशन बना है, 3 से, तो क्या हो जाएगा, जी ऑफ 3 हो जाएगा कितना, अब एफ ऑफ 1 कितना आया, 2 आया, देखिए 1 का रिलेशन 2 से है तो 2 आया, ठीक है, 2 तो यहाँ आ गया आपको, 2 आ गया, ठीक है। आगे देखिए, अब जी ऑफ एक्स में जाकर के देखिए कि 2 जो है वह किससे रिलेशन बनाया है, तो 2 बनाया 3 से, तो डायरेक्टली हो जाएगा यहाँ पे 3, ठीक है। मतलब कि हम जो डाल रहे हैं, जो इनपुट हमने डाला और उसके बाद जो आउटपुट निकलता है उसको क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं, क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। तो एकत्रित करके आप लिखिए कि यहाँ डोमेन कितना प्राप्त हो रहा है, डोमेन कितना है भाई, 1 3 4 है, 1 3 4 है। कब, जब आपको निकालना रहेगा जी ओ एफ ऑफ एक्स, तो गॉफ निकालना रहेगा तो इसका आप डोमेन आप इस तरह से बनाइएगा, अगर एफ ओ जी रहेगा तो जी ओ फेक्स का आप डोमेन लीजिएगा जो 2 5 1 होता है, ठीक है। तो हमको तो गॉफ निकालना है, तो इसलिए एफ ऑफ एक्स का हम डोमेन ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ तो सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा एफ ऑफ एक्स वाला, इसलिए लेना होगा, ठीक है। अगर एफ ओ जी रहता तो जी ओ फेक्स वाला लेते, तो किस पे लेना होता है, यहाँ कितना आया, 3 आया। जैसे हमने 1 रखा, क्या रखा, 1 रखा, रेंज कितना आया, 3 आया, रेंज कितना आया, 3 आया। अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, अब 3 रखते हैं, डोमेन 3 रखेंगे तो अब देखिए रेंज क्या आता है, एफ ऑफ 3 रखना है ना, 3। तो इसमें आप देखिए एफ ऑफ है ना फंक्शनल रिलेशन, ये तभी हटेगा ना जब रिलेशन आपको बना दीजिएगा, तो 3 का रिलेशन 5 से, तो 3 का रिलेशन 5 से, तो अब क्या हो जाएगा, 5 यहाँ पे लिखना होगा, ठीक है, जी ओ एफ 5 हो जाएगा, ठीक है। 3 का रिलेशन 5 से बना हुआ है, 3 का 5। अब जी को हटाने के लिए क्या करना होगा, जी ओ एक्स के फंक्शन की ओर ताकना होगा, यही ना तकवा रहा है, हम थोड़े ना ताक रहे हैं, यही तकवा रहा है, दिखवा रहा है कि देखिए ना जी ओ एक्स को, समझे कि नहीं देखेंगे तो नहीं कैसे दिखिएगा, एफ ओ एक्स तो है नहीं, क्या देखिएगा, आपको तो पहले दिखवाइए दी, अब देखिए ना जी ओ एक्स वाला फंक्शन, तो ठीक है देख लेते हैं इसी वाला फंक्शन देख लेते हैं। तो जी वाला फंक्शन क्या होता है, 5 है, तो 5 किससे बनाया है, 1 से बनाया है, एक हो गया, सिंपल सी बात है। तो इसका रेंज कितना आया, अब 1 आया है 3 रखने पर, अब देखिए, ठीक है। अब ऐसा यदि हुआ तो अब फिर एक भी एलिमेंट बच रहा है ना, 4 बच रहा है, अब आप 4 रखिए, है ना, ये मूल है,
आप इसमें रखते जाइए, आपको उपचार में रखना है जी। ठीक, चार रखिए। तो चार जैसे ही आप रखते हैं तो ये कहता है कि ताकिया ना ये f(x) की ओर, एक फंक्शन की ओर देखिए ना। तो ठीक है, देख लेते हैं चार से किसके तुम रिलेशन बनाया है, तो किससे तू चार वाला तो बनाया है, से देखता हूँ मैं। तो चार वाला जो बनाया है ना, वन से बनाया है, तो वन से बनाया है। तो रुको रुको, हम क्या करते हैं, तुमको बर्बाद कर देंगे, हम वन ला देंगे यहाँ पे। ठीक है, अब जी ऑफ एक्स में वन से है, ये कहता है कि तू जाके कहने कनेक्ट हो गया रे, तू कहने कनेक्ट हो गया है, मैं सबसे तो व्यस्त हो गया हूँ, मैं कितना को देखूंगा। अब एक जो है किससे कनेक्ट हो गया, तीन से, तू तो और बदमाश है, तू और तीन से कनेक्ट हो गया। ठीक है, अब अस्त व्यस्त हो गया, अब तो जी और एफ सब चीज खत्म हो गया, एच कुछ ही नहीं बचा है, कि जाओ तो वही रह जाओ, तुमको देखभाल नहीं करे। तीन आ गया इसका रेंज, क्या हो जाएगा, तीन इसका रेंज हो गया। ठीक है ना, तो डोमेन और रेंज है तीन। अब रिलेशन क्या बन गया आपका, यही फाइनली आपका आंसर आया है, यही फाइनली आंसर आया है, एक का तीन से, तीन का एक से, और चार का तीन से। ठीक है, अब आप देखिए तो एक का तीन से है, ठीक है, तीन का पांच एक से है, चार का तीन से है, चार का तीन से। तो आप ऐसे मैथमेटिकली आप बना सकते हैं कि नहीं बना सकते, आप ही बताइए, आप बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं, अवश्य ही बना सकते हैं। कोई दिक्कत परेशानियां हुआ कभी इस कंपोजिट फंक्शन को समझने में, कोई दिक्कत परेशानियां कभी नहीं होगी, और मैं फंक्शन दूंगा बनाने के लिए। अब अभी यह बात है, इसको मैं बताता हूँ। ठीक है, तो मैं आपको एक डब्ल्यू देता हूं कि आग बनाकर लाइएगा फॉग, क्या बनाकर लाइएगा, फॉग बनाकर लाइए। ठीक है, तब तक मैं इसको अब मिटाता हूं। हमने तीन विधि बताया है इसको ज्ञात करने के लिए, कितने विधि, तीन विधि हमने बताया, तो आप देखिएगा। ठीक है, अब इसको हम मिटा देते हैं। ठीक, आपको मैथमेटिकली अगर कैलकुलेशन करना है तो डोमेन को रख करके रेंज निकालना ही होगा। ठीक है, निकालना होगा, और अंततः वही जो आएगा वही आपका रिलेशन बनाएगा, वही आपका उत्तर आएगा। तो ठीक है, इसका हमने सॉल्व कर दिया। अब आप देखिए, अभी आप देखिए, अब आप कहिएगा कि आंसर से आप कहे ही थे कि इसका आप डोमेन लीजिए और इसका आप कोडोमेन लीजिए, वही आपका उत्तर होता है। किसके लिए कहे थे, गॉफ के लिए आप कहे थे, गॉफ के लिए आप कहे थे ना कि इसमें आप डोमेन लीजिए और इसका कोड डोमेन लीजिए, आपका वही उत्तर होगा। कहने का मतलब कि एक का तीन से होगा, तीन का तीन से होगा, चार का एक से होगा, गॉफ के लिए। अब आप ही बताइए, मैं आपको किताब दिखाता हूं है कि नहीं आंसर इसका। देखिए, आर एस अग्रवाल का किताब है, दिखाई दे रहा होगा, आप देख सकते हैं इसको, कहाँ चला गया क्वेश्चन। हाँ देखिए, दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है ना। ठीक है, आप आर एस अग्रवाल से आप देख लीजिएगा, यहाँ पे देखिए आंसर आपको दिया गया है एक तीन तीन एक चार तीन, एक तीन तीन एक चार तीन। ठीक है, एक तीन तीन एक चार तीन दिया गया है, यहाँ पे कोई कहीं नहीं, तो गलत हो जाएगा आपको, क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो गलत हो जाएगा ऐसे बनाएगा तो। हमने क्या कहा था, क्या आप रूल जानते हैं इसको, हमने कहा था ना कि आप अगर मैथमेटिकली आप कैलकुलेशन नहीं करना है तो सबसे पहले आपको देखना होगा कि इसका जो कोडोमेन है क्या इसका डोमेन का इक्वल है। यहाँ पे क्या है, कोडोमेन दो है, यहाँ पे क्या है, कहाँ है इसका डोमेन का इक्वल इसका कोडोमेन। अरे भाई, इसको डोमेन कहते हैं, इसको कोडोमेन कहते हैं, इसको डोमेन कहते हैं, इसको कोडोमेन कहते हैं, उसी प्रकार सब में बात है। तो आप ही बताइए ना, इसका जो डोमेन है, इसका जो कोडोमेन है, इसका डोमेन इक्वल है दो और एक, कभी नहीं, उसमें तो था ना जी। इसका आप देखिएगा, इसका जो कोडोमेन है, इसका डोमेन इक्वल है पांच दो, नहीं है, जैसे तैसे होल है, चार का पांच से इसका कोडोमेन है ना, एक का पांच से है, इक्वल ही नहीं है, तो यह बन ही नहीं सकता है, कभी नहीं बन सकता है। आप डायग्राम भी आप देख लीजिए, इसका चार डायग्राम बन सकता है, तीन को बन भी नहीं करेगा कभी, कभी नहीं बनेगा आपको। देखिए,
आप ही को बना दे रहा हूँ, एक काला पेन से बना देते हैं, एक है, तीन है, चार है, ठीक है, दो है, पांच है, एक, एक देखिए एक और बन गया, एक मेच न कर रहा था, अगर मेच करते हैं दो लिख कर रहता, इसमें भी दो रहता तो बस यही फंक्शन हो जाता, इसमें भी एक देखिए, दो देखिए, पांच देखिए, देख रहे हैं उल्टा हुआ है जैसे तैसे हो गया, यही अगर रहता पांच यहाँ पे, यही रहता दो यहाँ पे दो रहता और एक रहता नीचे और पांच यहाँ रहता तो इसको बनाने का जरूरत था, इसी में हो जाता आपका कंसल्ट, लेकिन देख रहे हैं कितने बन गया, तीन तीन एक। बताइए क्या ऐसा होगा कभी कंपोजिट फंक्शन में, कभी हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, नहीं। इसलिए आपको इस डायग्राम को बनाने के लिए क्या करना होगा, आंख मूंद के आप डायग्राम नहीं बना सकते, नहीं नहीं बना सकते। देखिए क्या मिटिया, तीन पांच चार और एक, ठीक है, गलती नहीं हुआ है ना, ठीक है, अच्छा बनाएंगे तब अपने गलती पता चलेगा, ये फॉग निकालना। तो क्या करना होगा, देखना होगा एक का रिलेशन किससे है, रिलेशन जांच करना होगा दो से, ठीक है, दो से बनाएंगे, एक का रिलेशन किससे है, दो से है, ठीक है। अब उसमें देखिए आप कि दो से किसका रिलेशन है और दो का किसका रिलेशन है, तीन से, तीन बनेगा, तीन का रिलेशन किससे है, पांच से, तीन का पांच से। अब उसमें देखिए कि पांच से किसका है, एक से। अब चार से रिलेशन किसका है, एक का, चार से एक का। अब उसमें देखिए कि एक का किससे है, तीन से। अब यह डायग्राम अति उत्तम, अच्छा, सर्वोत्तम हुआ है। अब यह डायग्राम में कोई दिक्कत नहीं है, अब आप आराम से प्रत्यक्ष रूप से आप बना सकते हैं, डायरेक्ट आप कनेक्टेड करवा सकते हैं कि यह जो फंक्शन मेरा था यह फंक्शन f था, अब x कुछ दिया ही नहीं है तो फंक्शन f ही रखना होगा, इसके लिए फंक्शन क्या है, g है, क्या हो जाएगा, g है फंक्शन, ठीक है। और इसको निकालना होगा तो क्या करना होगा, गॉप निकालना है, यही ना करना है, गॉप निकालना है, तब डायरेक्टली आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। एक का तीन से, तीन का एक से, चार का तीन से, एक तीन तीन एक चार तीन, कोई दिक्कत परेशान नहीं, यही सही उत्तर है। आप आर एस प्रोग्राम में देख लीजिएगा, सॉल्व एग्जांपल होगा, कंपोजिट फंक्शन जो होगा ना क्वेश्चन, उसके बाद सॉल्व एग्जांपल भी देता है ना, तो उसमें आप पहले नंबर क्वेश्चन उसको देख लीजिएगा, ठीक है, मैंने डिटेल बता दिया क्या सही होता है कि नहीं होता, अगर गलत होगा तो स्क्रीन शॉट करके मेरे पास व्हाट्सएप भेज दीजिएगा। मेरा नंबर है 96 93 86 26, कितना नंबर है 96 93 76 86 26, ठीक है, नोट कर सकते हैं, मिटा देते हैं। अब देखिए यहाँ पे गॉप का हो गया, कोई दिक्कत परेशानियाँ हुआ, हुआ कभी, नहीं हुआ है ना, तो इसको ऐसा करना होगा, और अगर आप मैथमेटिकली कीजिएगा तो कोई दिक्कत परेशान नहीं होगा, आप जैसे बनाते तो वैसे बन जाएगा, अब डायग्राम से बनाएगा तो ये बन जाएगा तुरंत, उसे मैथमेटिकली करना पड़ेगा, तो ऐसे आपने को निकाल के दिखा दिए ना, कोई दिक्कत हुआ नहीं होगा, क्योंकि ये रिलेशन बनाया था एक का दो से, तीन से, पाँच से, चार का, एक से, और उसमें हमने देख लिया दो से, तीन से, पाँच का, एक का, एक से, तीन, और डायरेक्टली गॉप निकालने के लिए क्या होता है, इसे रिलेशन बना लेता हूँ, अब त्यौहार में दोस्त मिला देता है दोनों से, अब इसका तो मिटा देते हैं क्योंकि आपको तो समझ में आ ही गया होगा, नहीं समझ आता है मेरे संपर्क कर सकते हैं। देखिए आप अगर मान लिया जाए कि मैथमेटिकली हमको निकालना है, मैथमेटिकली जैसे हमने निकाला था फुट करके, तो क्या निकालना है हमको, सबसे पहले देखिए गॉप निकालना है, क्या निकालना है, गॉप निकालना है, तो गॉप आपको निकालना है तो क्या करना होगा, जी ऑफ, आप ऐसे भी लिख सकते हैं एफ ऑफ। अब फंक्शन में क्या होगा, डोमेन सबसे पहले आपको अलग कर लेना होगा, जो कि सब्स्टिट्यूट करना है यहाँ पे डोमेन, और किसका करना है, फंक्शन का, तो देखना फंक्शन में ही होगा ना, फंक्शन में डोमेन कौन है, एक तीन चार, एक है, तीन है, चार है, क्या है, इसीलिए यही है ना जी, एक है, तीन है और चार है, ठीक। अब देखिए हम जो भी अब निकलेगा डोमेन को पुट करने के बाद उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे कि वह रेंज निकल रहा है, ठीक है, क्या करेंगे, वह रेंज निकलता है, ठीक है, जो हम लोग डालते हैं इनपुट उसको कहते हैं डोमेन, जो बाहर निकलता है उसको कहते हैं रेंज। जैसे क्या होता है, आप समीकरण आप बनाते हैं, कोई भी समीकरण आप बनाते हैं,
तो आप इसको पुट करते हैं, तो मतलब x का वैल्यू क्या होता है, डोमेन होता है, और जो y का वैल्यू आता है वह रेंज होता है, ठीक है, याद रखते हैं। उसी प्रकार से इसमें क्या होगा, अब डोमेन एक हम पुट करेंगे, एक हमने पुट किया, यहाँ तो कोई दिक्कत, तो एफ ऑफ वन पुट करना है, तो क्या कह रहा है फंक्शन की, चलिए मेरे पास एफ ऑफ एक्स पर, क्या यह कह रहा है कि जी के पास चलिए, तो कहेगा कहाँ कह रहा है, तो नहीं कह रहा है, नहीं जाएंगे हम फंक्शन एक के पास जाएंगे, तो ये कहता है कि हमको बताओ कि कनेक्ट किससे हैं, तो एक का कर लिया ना है दो से कनेक्ट है, तो उसको मैं मार मार के पूछ रहा हूँ कि बताओ तुम किससे कनेक्शन बनाया है, तुम किससे बनाया कनेक्शन, तो ये कहता है कि बहुत पिटाने के बाद कहता है कि मैं दो से कनेक्शन बनाया हूँ, क्या कहता है कि दो से कनेक्शन बनाया है, तो क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा, है ना, एफ ऑफ पूरा वन के जगह पर क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा, ठीक है। अब तो बेचारा फिकिर हो गया, कह दिया था, अब तो पिटाई खत्म इसका हो गया, लेकिन अब क्या हो गया कि दो काम थोड़े ना है, ये भी अब जाकर के दूसरा गांव में रिलेशन बना लिया जाकर के, है ना, दोस्तों के दोस्तों किया जाकर रिलेशन बना लिया, तो अब बना लिया था क्या हो जाएगा, दो का तीन से कर लिया है, तभी पिटाएगा कि तू बताओ कहाँ से रिलेशन बनाया है, तो ये कहे कि हाँ भाई हम क्या करें, पिटाने के बाद कहे कि इससे रिलेशन हो गया किसी तरह, तो हो गया तो तीन का तीन से हो गया, तो यही रेंज आपका आया है, तीन क्या हो जाएगा, रेंज आपको आ गया तीन, ठीक है। अब तो पिटाई धुआई होने के बाद तो सारा का सारा अब इसको पूछने वाला कोई नहीं है, अब अस्त व्यस्त हो गया, अब किसी से रिलेशन बनाया ही नहीं, किसी से नहीं बनाया, तब इसको पिटाई काहे लगे होगा, किसी से नहीं बनाया, अब क्या हो जाएगा, उसी प्रकार से आप और ज्ञात कीजिए जी ऑफ, अब डोमेन क्या रखना, आपने एक रखा है तो तीन रखिए, अब एफ ऑफ थ्री, उसी प्रकार से आप देखते जाइए, उतना मैं बोल दूंगा नहीं, अब तो आप समझदार हो गए हैं, आप तीन देखिए, इसमें तीन का पांच से बनाया, अब जी भी जाने के लिए कहता है, तो पांच बताइए जी में, पांच का एक से बनाया, इसका एक आ गया रेंज, उसके बाद अब देखिए जी ऑफ, अब तीन है जय, अब देखिए एक तीन तक हो गया, अब चार देखिए, तो चार यह है, अब चार जो है से किससे बनाया है, एफ ऑफ एक्स वाले फंक्शन में, एफ वाले फंक्शन में कौन किससे बनाया, चार एक से बनाया है, तो चार एक से बनाया तो हमने एक यहाँ पे लिख दिया, एक हमने लिख दिया, अब एक जो लिखा है तो अब देखिए ये कहता है कि जी भी जाइए, ये किससे बना दिया है, एक किससे बनाया, एक तीन से बना दिया है ना, एक किससे बनाया है, तीन से बना दिया, एक तीन से बना दिया है, तो एक का कितना हो जाएगा, यहाँ तक आपको समझ में आया, तो अब इसका कितना आया, तो एक का तीन से और क्या हो जाएगा, तीन का एक से और चार का तीन से हो गया ना, एक का तीन से, तीन का एक से और चार से तीन का, पहले डोमेन उसके बाद रेंज में लिखना है, ठीक है, यही आपका आंसर होगा, जो पिछले हमने आया था वैसे भी आंसर आया था, यही आया था ना, तो आप देख सकते हैं, तो मैथमेटिकली आपको कोई गलत नहीं होगा, आपको देखना भी नहीं पड़ेगा कौन किससे रिलेशन बना रहा है ना बना रहा है, आप मैथमेटिकली आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपको ये लेके चला जाएगा कि रिलेशन कौन किससे बना रहा है, ठीक है, वो आपको लेकर के चला जाएगा, ठीक है, तो आपको उत्तर होगा। अब निकालना है आपको फॉर्म, क्या निकालना है, फॉर्म निकालना है, तो आप निकाल सकते हैं, जैसे आप डायग्राम से पहले बना देता हूँ, डायग्राम से आप निकाल दीजिए, फॉग निकालना है, फॉग निकालना है तो दिखना किसको पड़ेगा, सबसे पहले जी ऑफ एक्स का डोमेन लिखना पड़ेगा, फॉग निकालना है तो किसका डोमेन पहले लिखना पड़ेगा, जी ऑफ एक्स का डोमेन लिखना पड़ेगा, है ना, तो क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, एक किससे रिलेशन बनाया है, तीन से, और तीन जो है इसमें किससे रिलेशन बनाया है, पांच से, अब यहाँ पे आप देखिए इसमें डोमेन कितना है, दो है, दो किससे बनाया है, तीन से, दो तीन से बनाया है, ये क्या है, जी वाला फंक्शन है, यह क्या है, एफ वाला फंक्शन है, एफ वाला फंक्शन, ठीक है, कहाँ तक चला गया जी, दो का देखिए, दो किससे बनाया है, तीन से बनाया है, अब इसमें देखिए तीन किससे बनाया है, पांच से बनाया है, अब आप देखिएगा जी में देखना है, क्योंकि फॉग निकाल रहा है तो जी को देखना है, तो जी में पांच देखिए, पांच किससे बनाया है, एक से बनाया है, अब इसमें एक किससे बनाया है, दो से बनाया है, ठीक है, एक किससे बनाया है, दो से बनाया है, अब सिंपल से आपको निकालना है, क्या निकालना है, जब ऐसा प्रत्यक्ष रूप से है, क्या बन जाएगा, ये चला जाएगा इसके अंदर चला जाएगा, ठीक है, ये चला जाएगा इसके अंदर चला गया, क्योंकि डायरेक्ट मित्रता हो गया, अंदर चला गया, अब निकालना ये फॉग है, तो फॉग निकालना है तो कितना हो जाएगा,
एक का किस से, एक तीन से जो रिलेशन बना रहा था, दो तीन से, पांच एक से, और तीन पांच से, और तीन पांच से, और एक तीन से, अब डायरेक्टली रिलेशन क्या बन रहा है, एक का पांच से, किसके लिए, फॉर के लिए, एक का पांच से बना रहा है, दो का पांच से बना रहा है, पांच का दो से बना रहा है, आज का दोस्तों। तो आप देख रहे हैं कोई दिक्कत परेशानियां कभी हुआ नहीं, हुआ कभी नहीं। तो इसीलिए कहते हैं एक दोनों के क्या करना होगा, इसका रेंज और डोमेन को इक्वल करना होगा। अब रेंज और डोमेन आप इक्वल कर दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं बन जाए, इक्वल या फिर सबसेट होना चाहिए, ठीक है, तो ये बन गया। नहीं तो अगर इक्वल नहीं होता, अलग अलग होता, कुछ मेल ही नहीं करता रिलेशन करना, तो चार फंक्शन ऐसे ही बन जाए, इसका ऐसा हो गया। आप मैथमेटिकली आप देख सकते हैं, देखिए मैथमेटिकली आपको क्या निकालना है, फॉग निकालना है, फॉग निकालना है, ए फॉग जी ऑफ, क्या करेंगे सबसे पहले जी का डोमेन देखेंगे, जी का डोमेन कहाँ है, एक है ना, डोमेन यहाँ लिख देते हैं, जी का डोमेन है एक दो पाँच, ठीक है। अब इसी को हमको पुट करना है और यह रेंज निकल कर दिया है, और जो निकल कर आएगा वही अपना रिलेशन बना लेंगे फॉग के लिए। तो जी ऑफ वन रखेंगे, ठीक है, वन हम जैसे ही रखते हैं तो क्या प्राप्त होता है, वन देखिए तो किसे बनाया, जी में तीन से बनाया है, तीन हो गया। अब फंक्शन एफ में देखिएगा तीन से किससे बनाया है, तीन का पाँच से बनाया है, पाँच आ गया, पाँच लिख दिए। अब देखिए दो अब पुट करते हैं इनपुट, ए फॉग जी ऑफ कितना पुट करना है, दो पुट करना है। अब जी फंक्शन में दो देखिए किससे बनाया है, तीन से बनाया है फंक्शन ऑफ, इसको मैं अब बड़ी कोस्ट छोड़ जाएगा छोटी कोस्ट, अब क्या हो जाएगा, तीन आया ना, इसका पूरा वैल्यू कितना आया, तीन आया, तीन आया, तो इसका कितना आ जाएगा, अब फंक्शन में देखेंगे तीन में, फंक्शन में एफ में देखेंगे फंक्शन में तीन, देखेंगे कहाँ है, तीन पाँच से बना है, तीन का पाँच से रिलेशन। आप देखिए अगला, इस सब फॉग के आप फाइवर निकाल रहा है सर, ठीक है आप लिख लीजिए, नहीं तो आप और पटांग जैसे कर दीजिएगा कि ऐसा हो जाएगा। चलिए देखिए किस कन्फ्यूजन हो जाता है कि इधर नहीं लिखे हैं तो कैसे क्या करेगा, देखिए अब क्या हो जाएगा, फंक्शन ऑफ इतना आप क्या करना है, पाँच फुट करना है, जी ऑफ पाँच फुट कर दीजिए। अब क्या हो जाएगा, जी ऑफ पाँच के वैल्यू कितना आएगा, पाँच से किसका रिलेशन है, एक का, जी में देखना है एक आ गया। अब एक फंक्शन में देखना है एक का किससे रिलेशन है, दो का रिलेशन, पाँच आया फिर पाँच आया और दो आया, तो सिंपल से इसका उत्तर क्या आ जाएगा, फॉग कितना प्राप्त हुआ, यही निकालना था ना, फॉग निकालना था, एक का पाँच से आया, दो का पाँच से आया, पाँच का दो से आया, यही प्राप्त हुआ था ना, आप पीछे करके देख लीजिएगा यही प्राप्त हुआ था कि नहीं, मैं तो घटा दिया हूँ, आप देख लीजिएगा ये प्राप्त हुआ है कि नहीं, फॉग हो गया यही प्राप्त हुआ, आप आर एस वगैरह में भी देख सकते हैं, और हमने उस विधि से बताया, इस विधि से बताया, आप किसी विधि से आप ज्ञात कर सकते हैं आप हैं, इसमें कोई भी दिक्कत परेशानियाँ कठिनाइयाँ कभी नहीं होगी, और आपको ऐसा करने की भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप ऐसा माने तो। इसमें क्या हो जाएगा, एक हमको क्या निकालना है, गॉप निकालना है ना, आप सिंपल से डायरेक्ट निकालिए, इसको मिटाते हैं काम को, इसको हम मिटाएंगे, आप सिंपल से देखिए तो निकाल के मैं देखता हूँ दिमाग लगाएंगे ऐसा होगा कि नहीं। चलिए देखिए यहाँ पे डायरेक्ट आप दिमाग लगा सकते हैं, इसका क्या करना है, एक डायरेक्ट प्रत्यक्ष हो ही जाता है, गॉप के लिए क्या होता है, एफ ऑफ एक्स वाला क्या होता है, जी ऑफ एक्स में प्रत्यक्ष होता है, रिलेशन बनाता है। तो आप देखिए तो एक का किससे रिलेशन है, दो से, एक का किससे रिलेशन है, दो से, अब उसमें देख लीजिए अभी दो किससे है, तीन से, यही हो जाएगा आपका। अब देखिए आपको इसमें देखिए डोमेन तीन, तीन का किससे है, पाँच से, पहले तीन तो लिख लेना है, तीन किससे है, पाँच से, अब जी ऑफ एक्स में पाँच किससे है, एक से, अब इसमें डोमेन देखिए चार, चार किससे है, चार है एक से, और एक किससे है, तीन से,
क्या मजा आया इस तूफानी ट्रिक को, आपने आनंद लिया। देखिए कितना अच्छा शॉर्ट ट्रिक आपका बना दिए हैं, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक किया है। लॉन्ग पोजिशन बताने के बाद मैं हमेशा शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, ठीक है, हमेशा बताता हूँ शॉर्ट ट्रिक। आप पिछले वाले वीडियो भी जितना आप देखना चाहे आप देख सकते हैं, सब में आपको मिलेंगे लॉन्ग प्रोसेस के बाद शॉर्ट ट्रिक मिलेंगे, सब में आपको मिलेंगे। एक तो मैंने प्लेलिस्ट सिर्फ शॉर्ट ट्रिक के बनाया ही हूँ, और इसमें तो आपको दोनों चीज़ मिलेंगे, उससे और इस वीडियो से और कुछ अलग भी कुछ कुछ मिलते हैं, क्योंकि उसमें सिर्फ शॉर्ट चलता है। एक प्लेलिस्ट है उसमें आप देखिएगा लिखा होगा शॉर्ट ट्रिक ही। तो इसका हो गया, इस तरह से आप कोई भी क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। अब तो यह हो गया जितना जैसे क्वेश्चन था, तो अंक वाला हुआ। अब हम चलते हैं वेरिएबल की ओर। क्या चलते हैं? वेरिएबल की ओर। दिखाई तो दे ही रहा हो, है ना? देखिए मैं क्वेश्चन लाया हूँ, वायरस वाला मैं कितना अधिक करके देखूंगा। इसमें क्वेश्चन भी लाया हूँ, वायरस वाला से भी टच करेगा, और मैं क्वेश्चन भी लाया हूँ, आप देख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन का पहला नंबर क्वेश्चन आपको देख देते हैं। एफ ऑफ एक्स बराबर आठ एक्स एंड जी ऑफ एक्स बराबर एक्स के पावर एक बाई थ्री देन, तो हमको निकालने कहता है, तब क्या निकालू भाई? जी ओ एफ ऑफ एक्स निकालिए ना, बराबर यही आपको निकालना है। तो इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? सिंपल सी बात है, हमने बताया ही था कि यदि आपको रहता था एफ ऑफ एक्स बराबर, मान लिया जाए कि एक्स के पावर चार प्लस पाँच रहता था, या फिर आप ऐसे लिखिए पाँच एक्स के लिखिए और प्लस दो लिखिए, इस तरह कितना भी रहता था। अगर एक्स के स्थान पर आपको कहता था कि एक पुट कीजिए, क्या पुट कीजिए? एक। तो आप यहाँ पे एक रखिएगा, और जहाँ जहाँ एक्स तहाँ तहाँ आप एक रखिएगा। क्या ऐसा कीजिएगा? तो कीजिएगा काम, मैं ऐसा करता ही हूँ। हमने जितना मैथ पढ़ा है उसमें तो इतना सारा हमने मैथ इस तरह के बना दिया है देख करके कि कहना है क्या है, अनंत है, इनफिनाइट हो चुका है। तो ठीक है, अगर एक्स के जगह पर अगर एफ जी ऑफ एक्स रख दिया जाए तब तो कहिएगा कि जहाँ जहाँ एक्स रहेगा तहाँ तहाँ जी ऑफ एक्स लिख दीजिएगा। तो ठीक है, एक्स के जगह पर हमने जी ऑफ एक्स रख दिया, यहाँ भी एक्स है तो यहाँ भी हमने क्या कर दिया, एक्स लिख दीजिए, पाँच चार ऊपर पावर है तो चार कर दिया, पाँच गुने एक्स यहाँ भी नजर आ रहा है तो जी ऑफ एक्स, और इसका पावर कितना है तीन है, कर दिया। यहाँ तो एक्स है ही नहीं बेचारे के पास, यह तो बेचारा अकेला ही है, तो ऐसे ही रहने देंगे। तो इस टाइप का ऐसे आप कर सकते हैं, तो सिंपल सी बात है, वही तो काम किसमें भी करना है, कोई दिक्कत थोड़े ना, आप कीजिए ऐसा। हमने क्या कहा कि गॉफ आपको निकालना है एफ ऑफ एक्स, तो क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? जी ऑफ एफ ऑफ एक्स आप ऐसे बड़ी कोष्ट में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? और ये कह रहा है जी फंक्शन कि हमको एक्स के स्थान पर एफ ऑफ एक्स रखो ना। जी फंक्शन क्या कह रहा है, ठीक है, कि एफ ऑफ एक्स के स्थान पर हमको रखो ना जी। आप देखो जी कहाँ गया, यहाँ है ना। तो एक्स के स्थान पर क्या रखेंगे, एफ ऑफ एक्स रखेंगे। एक्स के स्थान पर क्या रख दिया हमने, एफ ऑफ एक्स रख दिया। उसके पावर कितना है, एक बाई थ्री है। कितना पावर है, एक बाई थ्री। अब ई का कह रहा है कि एफ ऑफ एक्स हम कितना है, हम हैं कितना। ई कहते हैं कि हम तो है आठ एक्स क्यू है, आठ एक्स क्यू है तो लिख दीजिए आठ एक्स क्यू। क्या हमारे पावर भी था कुछ, तो था ना, एक बाई थ्री था, तो थ्री था तो ऐसे आप थोड़े ना काट सकते हैं, ये संपूर्ण पावर करना होगा। तो अगर 2x के पावर क्यू करते हैं, और ये तो पहले से एफ बाई थ्री था, तो क्या हमने गलत लिखा? तो गया कि नहीं गलत लिखा ना, क्योंकि इसको तब तोड़ेंगे तो वही जाएगा इतना 8x क्यू, क्योंकि 2x गुने 2x गुने 2x होता है इसका मतलब तीन बार, तो दो दुनी चार, चार दुनी आठ, एक्स एगो 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 यहाँ कितना हो गया, तीन गो है ना, पावर एक एक रहता है, एक दो कितना होता है तीन, गुना में जोड़ता जुड़ता है ना पावर, तो आठ एक्स।
तो हमने कहाँ गलत लिखा, ऐसे लिख करके क्या कभी गलत किया हमने? तो कहा कि नहीं आपने गलत किया, तो ना ही किया तो ठीक, अब इसका इससे कट जाएगा, ठीक तो कट जाएगा कितना आएगा, 2x आ जाएगा। आप ऐसे नहीं समझते हैं तो 2x क्यों है था, अब 1/3 का मतलब क्या होता है, ये घनमूल होता है, अगर 1/2 रहता तो क्या होता है, वर्गमूल होता है, वर्गमूल में 2 छुपा रहता है। तो आप ऐसा भी कीजिएगा तो क्या करना होगा, ऐसा करके 2x गुणे 2x गुणे 2x तो उत्तर कितना आ रहा है 2x, या डायरेक्टली जिसका घनमूल जानते हैं तो 3/3 वो लिखाता है, क्योंकि 3 है। जैसे निकालना चाहे आप तैसे निकाल सकते हैं, तोड़ के मोड़ और ये जैसे करना है वैसे। तो देखो आपका 2x आ गया, सिंपल सी बात है, गॉफ निकालना था निकल लीजिए। चलिए एक क्वेश्चन माना, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैं क्वेश्चन के कमी थोड़े ना, यदि कहो तो मैं क्लास बंद कर देता हूँ। आप देखिए एक और क्वेश्चन, एफ ऑफ एक्स इक्वल, ये घनमूल है थ्री है यहाँ, और थ्री माइनस एक्स क्यूब, आर एस वाला क्वेश्चन है ये, शायद एनसीईआरटी में भी ये प्रश्न है शायद, तो देख सकते हैं इतना। अब देखो ना डायरेक्ट फॉक्स निकालने कहता है, एफ ऑफ एक्स निकालने कहता है, तो कहिए है कि उसमें 2 का फंक्शन दिए थे, इसमें 1 ही को दे रहा है तो देंगे नहीं, फॉक्स में तो निकालना है, स्वयं में स्वयं से निकालना है, तो ठीक है निकालना है। तो देखिए क्या करना है, फॉक्स हमको निकालना है एफ ऑफ एक्स, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं महाराज, तो कहिए है कि वैसे लिख सकते हैं। अब ये कहता है कि एफ ऑफ एक्स हमारे यहाँ रखो ना, इसको का कीजिए ना, पहले ऐसे कर दीजिए इसकी बात, क्या इसको हम 1/3 लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं क्योंकि 3 यहाँ पे है, एक घनमूल है, तो आप 1/3 आप लिख सकते हैं। तो एफ ऑफ एक्स जो यहाँ पे रखा गया है तो इस फंक्शन में ही एफ ऑफ एक्स रख देना है, तो जहाँ जहाँ एक्स है तहाँ तक इसको रख सकते हैं, तो 3 माइनस एफ ऑफ एक्स यहाँ रख दीजिए, एफ ऑफ एक्स क्यू है तो आप क्यू कर दीजिए, और उसके पावर भी 1/3, उसके पावर भी 1/3 हमें कर, ठीक है। आप देखिए 3 माइनस ये कहता है कि हम हैं कितना, हम कितना हैं बताओ, तुम ही बताओ हम कितना है? तो एफ ऑफ एक्स कहता है कि हम तो इतना है, तो इतना है तो आप उतना लिख दे, 3 माइनस एफ ऑफ एक्स के जगह पे क्या लिखना होगा, 3 माइनस एक्स क्यूब, क्या 3 माइनस एक्स क्यूब के पावर लिखना होगा 1/3, क्या इतना है एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स क्या इतना है और उसके पावर कितना है, यह 3 है, और सभी के पावर क्या है 1/3, क्या समझ में आया। देखिए ना फिर से देखिए, फॉक्स निकालना था एफ ऑफ एक्स, यहां तो आप समझते हैं, तो एफ ऑफ एक्स कहता ई कहता है कि ई वाला हमारा में रखो ना, तो ठीक है इसमें हम रख देते हैं, तो जहां जहां एक्स तहां तहां एफ ऑफ एक्स, तो जहां जहां एक्स तहां तहां क्या लिखें एफ ऑफ एक्स, क्यू था क्यू किया, 1/3 था 1/3 क्या पूरा था। अब क्या कहते हैं कि एफ ऑफ एक्स हम कितना है, तो इतना है, तो क्या हमने गलत किया, 3 था 3 लिखा, माइनस है माइनस लिखा, एफ ऑफ एक्स सही था, एफ ऑफ एक्स पर 3 माइनस एक्स क्यू के पावर 1/3 लिखवे किए, और पावर इसका क्यों था, पावर क्यों देवे किया, पूरा का पावर 1/3 था 1/3 देवे किया, तो हमने गलत कहाँ किया है, कहाँ गलत किया है कि मेरे को दोषी ठहरा रहा है। तो देखिए 3 माइनस, अब ये क्या होगा, ए से तो ये कट जाएगा है ना जी, ये कोष्ट है तो 1/3 या गुना होता है ना 3, तो ये तो कट जाएगा। चलिए ये तो आपको खत्म हो गया, बचा क्या 3 माइनस, क्या बचा 3 माइनस एक्स क्यू बचा, और सबके पावर कितना बचा है 1/3 बचा है, 1/3 बचा है ना, 1/3 बचा, तब 3 माइनस प्लस माइनस माइनस, अब माइनस माइनस प्लस एक्स क्यू के पावर कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, तो 3 से 3 तो खत्म हो जाएगा, एक्स क्यू के पावर 1/3 हो जाएगा, ठीक है, तो एक्स इसका फिर हो जाएगा, ठीक दिखाई दे रहा ना, मैं भी देख लेता हूँ, होता ऐसा है कभी कभी कैमरा में दिखाई नहीं देता है, तो दिखाई शायद दे ही रहा है ना। तो दिखाई तो
दे रहा है, ठीक है। थोड़ा नारा टाइप का हो गया है, लाइन तो है नहीं, देखिए लाइन बांध देता हूँ इसको मिटाने के। ठीक है, यह दिखाई दे रहा है, अब हम इसको मिटाते हैं। शायद 50 मिनट तक हो चुका है। वैसे आप बहुत सारे क्वेश्चन हल कर सकते हैं, और क्वेश्चन आपको देता हूँ। देखिए क्वेश्चन, एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर, जी ऑफ एक्स इक्वल टेन एक्स एंड एच ऑफ एक्स इक्वल लॉग एक्स। ठीक है, यह दिया गया है। आपको निकालने का रहता है एच ऑफ जी ऑफ एफ रूट पाई बाई फोर निकालने का था। क्या कहता है? रूट पाई बाई फोर निकालने का। तो एक काम कीजिए, अब डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स में रूट पाई एफ फोर रखिएगा तो पाई एफ फोर आएगा, स्क्वायर से रूट खत्म। आप क्या बता, जी ऑफ एक्स में रखिए पाई एफ फोर तो वन आएगा, ठीक है। अब एच ऑफ एक्स में वन रखिएगा तो लॉग वन का वैल्यू जीरो बन गया, सिंपल सिंपल। अगर आप लॉन्ग प्रोसेस बनाना चाहते तो फिर वही बनाइए, पहले जो गॉफ निकाल लीजिए। तो गॉफ आप निकालिएगा तो कितना होगा, गॉफ निकालिएगा तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स कहाँ है, यहाँ है, तो क्या रखेंगे यहाँ पे एक्स और स्क्वायर में रखिए। ठीक है, क्या कर दिया हमने, एक्स स्क्वायर में रखते हैं, ठीक है। तो जी ऑफ एक्स स्क्वायर, आप यहाँ भी रूट पाई ऑफ फोर पुट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं आप, और नहीं भी करना चाहते तो नहीं भी कर सकते हैं, तो कर दीजिएगा तो और आसानी ही रहेगा, तो कर ही देते हैं। तो क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे अगर रूट पाई ऑफ फोर अगर एक्स की जगह पुट कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, एक्स की जगह पर आप क्या करते हैं रूट पाई ऑफ फोर पुट कर देते हैं, पाई ऑफ फोर आएगा ना, पाई ऑफ फोर आ जाएगा, क्योंकि रूट पाई ऑफ फोर के स्क्वायर है, स्क्वायर से रूट कैंसिल। अब एच में रख दीजिए, एच ऑफ पाई बाई फोर रख दीजिए, ठीक है, एच ऑफ पाई ऑफ फोर, एच ऑफ एक्स में पाई ऑफ फोर रख दीजिएगा, तो लॉग एक्स के जगह पर कितना रख देना है, पाई ऑफ फोर रख देना है, लॉग नहीं, देखिए कहाँ तो चला गया, ऐसे थोड़े ना हो, पाई ऑफ फोर आपने जी कहाँ रखा है, ये गलत हो जाएगा। ऐसे ही आप कीजिए, जी ऑफ एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा, जी ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो जी फंक्शन में आपको सबसे पहले स्क्वायर रखना होगा ना, तब ना यह टेन एक्स स्क्वायर हुआ, ये रिलेशन बनाए हुए है, तब तक हम डंटा से मारेंगे नहीं, तब तक यह शांत कैसे होगा, अब शांत हो गया तो टेन एक्स स्क्वायर, अब आप रख सकते हैं ना, अब आप रख सकते हैं। तो आप जैसे इसको एक्स के जगह अगर पाई एफ फोर रखते हैं तो तुरंत ही आपको हल आ जाएगा, नहीं तो आप यहाँ भी रख सकते हैं, एच ऑफ, अब क्या निकालना होगा, जी ऑफ एफ निकालना है, एच ऑफ हमारा तो निकल ही गया, जी ऑफ गॉफ निकल गया कितना, टेन एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो एच फंक्शन कितना है, लॉग, लॉग के स्थान पर आप टेन एक्स स्क्वायर रख दीजिए, ठीक है। अब पाई बाई फोर पुट करना है, रूट पाई बाई फोर, तो आप पुट कर दीजिएगा, तो टेन एक्स स्क्वायर के स्थान पर रूट पाई बाई फोर करेंगे तो पाई बाई फोर आएगा, तो क्या हो जाएगा, लॉग टेन पाई फोर के वैल्यू वन, और लॉग वन के वैल्यू कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। यह बन गया, तो आप यहाँ ही पुट कर सकते थे, टेन एक्स स्क्वायर था, यहाँ रूट पाई बाई फोर पुट कीजिएगा तो कितना आएगा, टेन पाई बाई फोर आएगा, टेन पाई बाई फोर के वैल्यू वन आएगा। अब आप रखिएगा एच बच गया था तो एच ऑफ वन रखिएगा इसमें, तो एच ऑफ वन कितना है, लॉग फंक्शन कितना है, वन यहाँ रखना होगा, तो लॉग वन के वैल्यू कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो आप किसी तरह से आप बना सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन। और कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन है बहुत सारा क्वेश्चन है, कितना मैं बना के देता हूँ, एफ ऑफ एक्स बराबर टू एक्स है, जी ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर है, एच ऑफ एक्स बराबर एक्स प्लस वन है, गॉफ वन निकालना है, बहुत सारा क्वेश्चन है, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, तो बहुत लंबा हो गया तो बनाना मुश्किल हो जाएगा,
इसलिए ठीक है, मैं यहीं वीडियो अंत करता हूँ। बहुत सारा क्वेश्चन है, अब एक घंटा तक वीडियो हो गया, तो आप अभ्यास करते रहेंगे। अगर आपको क्वेश्चन, अगर जिसको जिस क्वेश्चन को समझ में नहीं आता है, आप फोन कर सकते हैं, आप उनसे पूछ लीजिएगा, मैं उसको बनाकर बता दूँगा। चाहे डोमेन रहे, रेंज रहे आपको, अथवा या फॉग ऑफ कम्युनिटी फंक्शन से, जितना फंक्शन से आपको प्रश्न है आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और फंक्शन का मैं कुछ वीडियो लेकर के आऊँगा कल, इन्वर्स निकालने के लिए, फिर बाद में वीडियो बनाऊँगा पीरियड निकालने के लिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। यदि हमारी मेहनत अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर दीजिएगा, शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, देखिए पसीना पड़ा है ना, और कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।